इसका कारण तो दूसरा ही होता है। हंसने के बाद हंसने से मलखान मर जाएगा। सच कहते मामा जी, पिताजी जगा दो बेटे, मामा जी जगा दो। अरे कहते थे हंसो, हंसने से मलखान मर जाएगा तो हंसा जाए। देखो ऐसा है, अब तहर हम से पूछो ये कैसे मरी है? कैसे मरी के बताओ, मामा जी कैसे मरा? सुनो, सुनते हैं मामा जी। याद जब कयन हम यहां से तुमने गया, याद जब कयन चले गए, पूछा अमृत दिया है घर बा, यानी अपनी बहन पर तुमने पूछा। हाँ हाँ, तुम्हारी बहन ने क्या कहा? बट डायरेक्ट पहुंचा नहीं ना, पहुंचे वो पनार बनारा 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 बनारा, यानी नखरा तुमने बनाया। हाँ नखरा बना लिया। कैसा नखरा बना लिया? मकान में रोते ठाड़न गिर पड़े, दरबार में आप रोते हुए गए और कहा, और अपने कहीं के सामने रोते हुए क्यों पड़े? फिर क्या हुआ? फिर यो भवा हमका उठाइन भाई, हाल चाल पूछिन, तो हम कहा पृथ्वीराज से जंग छिड़ी रहा और पृथ्वीराज मारी तलवार सख्त से अलग हो यानी मलखान बंदरगाह में मारा गया। हाँ फिर क्या कहा उन्होंने? पाँव मार चल बलाव जो लड़े हूँ। अरे मार यानी अंगना में नाचने लगी, अंगना में नाचा लगी। उसके बाद क्या हुआ मामा जी? हमका पकड़ के और धक्का मार के निकाल, हाँ आनंद से घर के मार कर घर के बाहर कर दिया। समझा बेचती का दिन। उसके बाद क्या हुआ मामा जी? उसके बाद यूं भवा हम फिर नहीं किया, यानी आज के दरबार से बाहर कर दिया महल से और फिर नहीं किया। फिर वह बच्चे जा दरबार में मार यूं अंगना में नाच चल, हमारे लेकर को मार सकत, को मार सकत तो बच्चर का छाती है, बच्चर का, बच्चर की। हाँ सारा शरीर का बच्चर का है, बच्चर बदले पत्थर का है, पत्थर का है सारा शरीर, मलखान का पत्थर का है। पहचान पदम महत पहने दाहिने कदम में पदम है, पदम है पहले तो मलखान का मारना आसान था, लेकिन अब मामा जी हम तो बहुत करेंगे।
तो सलाम करके मलखान के शरीर पर वार करेंगे। हाँ उसके तरह में कैसे वार करते हैं? कैसे वार करते मलखान? अरे हर तो बताओ पाए सुबह सलाम भांजों को बलवाओ। सुबह सलाम भांजी को? हाँ और उसका भेद दो कहाँ? कहाँ पर भेद दिया जाए? लोहार के हाँ। लोहार? हाँ लोहार से क्या काम है बाबा जी? 40-50 हजार सांगे बनवा लावे। 40-50 हजार सांगे? हाँ यार बहुत काफी थी। आओ का और राणा मैदान में वो भाग खुदवा दियो। सांगे बनवाने के बाद जब मैदान में ओभा खुदवाया जाए? ओभा खुदवा दियो। ओभा खुदवाने के बाद वहीं सब सांगे गड़वा दियो। ओभा खुदवाने के बाद सारी सांगे उसे में गड़वा दियो। और उसके बाद हल्की हल्की पटाई करवा दियो। पटाई करवाने के बाद हरी हरी घास छुड़वा दियो। मलखान के जो न मालूम हुए दिया ओभा खुदा है। ठीक है मामा जी। और जतनी प्यार लड़ाई जंग छेड़े वही उभावार पछरत 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 चले बहुत जहां में घपत घुसे पत समर गई है। लड़ते लड़ते उभावार मलखान को ले जाता है। हाँ तो कुछ बात अगर मलखान के मालूम न होने पाए कि यहाँ पर ओभा खुदवा जाए। लेकिन यार मैं बताऊं कौन सी बात है? जब जंग छिड़ी रहा है तो कोको लड़ा रहा है। अरे पहले हमारी जंग हुई दूसरी जंग पिता जी की और तीसरे हमारे लेकिन जब जंग छिड़े तो कहा के हो क्या करना है मामा जी? जो सेनापति तुम्हारा है धांधू सेना ना धांधू। हाँ उनका लड़ायो। अगर मलखान मरी है तो फिर और धांधो मरी है मलखान का सतेला भाई है। भाई है और सारे दोनों एक ही खून के तो ठीक है मामा। आप कैसा कहोगे वैसा ही करूंगा। और ऐसा हुआ नहीं। ठीक है मामा जी आप जा सकते हैं। पिताजी आप तक के महलों में आराम करो। आप अच्छी बात है आ सकते हो। भैया सेना लड़खान के दरबार में हाजिर करो। हेलो हेलो कौन सेना पठान हो? बोलिए आप आइए आपको ये राज याद करते हैं। ठीक है उनसे कह दो मैं आ रहा हूँ। बहुत अच्छी बात चलिए। जीरा साहब बाकी ऐसा कहाँ ऐसा काम पड़ गया जो मुझे अचानक याद कर रहा है? हाँ हम अवश्य बता दे कि बात क्या है काम क्या है। हाँ जीरा साहब भालो तुम किसी लोहार के पास चले जाओ। लोहार के पास? हाँ किसी लोहार के पास चले जाओ और बहुत काफी सांझ बनवा कर के लाओ। सांझ? हाँ सांझ बनवाने के बाद जंग मैदान में एक बड़ा सा ओढ़ा खड़वा था। सुन हो नाना की बात को सुन रहा हूँ मेरा साहब। ओढ़ा खड़वाने के बाद सारी सांझ उसमें लगा दो और उसके बाद उसमें हरी हरी घास डाल दो ताकि हरा मालूम न हो ना पाए कि जंग मैदान में ओढ़ा खुलवाया गया है। इससे हमारा फायदा क्या होगा मीरा साहब? क्योंकि अब मुझे मालूम हो गया है कि हराम का जो मछाव का दाव बता दे। हमें हमें देश को गौर करने की बात है जिसमें कि ताहर बताता है कि मुझे मालूम हुआ मलखान के दबने पैर में कदम है। धानू को काफी दुख होता है क्योंकि धानू मलखान का सौतेला भाई है एक ही घूम का है। लेकिन इसी से बहुत दुख होता है किसी कारण बस यहाँ पृथ्वीराज चौहान की यहाँ नौकरी कर रहा है। लेकिन देखिए कैसे नमक अदा करता है पृथ्वीराज चौहान का। आप लोग कहानी में देखिए धन्यवाद है। जब ये राजा और वहां किस भूमि को जानता था हम क्या होगा?
रक्षा नहीं कर सकता, इसलिए मैंने पृथ्वी से कन्ना माना और सिरसा पर चढ़ाई की। मेरी किसी यही बिंदी है कि किसी तरह मलका के प्राण बचाने बदले में जन्म दिया है कला है। तेरा हर समय साया रहा है अपने बच्चे पे, आज अपने बच्चों के बाद अगर जो मामा जी जय गोपाल, जय गोपाल, जय गोपाल। मामा जी क्या बात है, आपके कहने के मुताबिक मैंने सेना लाल ठाकुर को सारी इजाजत दे दी, दे दिया। अब इसकी बात एक इजाजत और करे थे, कौन सा कार्य है? एक पत्र लिखो, पत्र पत्र लिखो ताकि जो है कल 10 बजे रणभूमि मैदान में आवे मत खड़वा और कहा तुम्हारी माँ का दूध हराम अगर मैदान में ना हो। ठीक मामा जी, आप मेरे साथ मत हो, तुम्हारे कहने के मुताबिक हम खराब कर मलखान खरीद कर जरूर भेजेंगे। रजिस्टर और कलम लेकर क्या हुआ,